एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है जम्मू से, जहां जम्मू पठानकोट राष्ट्र राजमार्ग के सांबा फ्लाईओवर पर बीती रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में कार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान अभय महाजन, पुत्र स्वर्गीय गुलशन कुमार गुप्ता और सुधा गुप्ता, निवासी रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अभय महाजन अमृतसर में एक बैंक कर्मचारी थे और ये दर्दनाक हादसा तब पेश आया जब बीती रात को अभय अमृतसर से अपने घर जम्मू लौट रहे थे। कल यानी 31 मार्च को देर तक बैंक में काम करने के बाद आज शनिवार और रविवार की छुट्टी के लिए अभय वापस अपने घर जम्मू आ रहे थे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। देर रात को सांबा फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने अभय की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा कितना दर्दनाक था ये अंदाजा गाड़ी की हालत देखकर लगाया जा सकता है। इस हादसे में अभय की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर से अभय के घर और पूरी रिहाड़ी कॉलोनी में इस समय मातम का माहौल है। बता दें कि अभय के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। अभय अपनी माता का इकलौता सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बता दें कि 37 वर्षीय अभय महाजन की एक छोटी बच्ची भी है जो बस अपने पापा के वापस घर लौटने का इंतजार कर रही है। ये सड़क हादसे की खबर अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुख की इस घड़ी में अभय के परिजनों को हिम्मत दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।